नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीवन जीने की कला में। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि नई वीडियोज हम आप सभी के लिए जब भी लेकर के आएँ वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिले। आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। रामायण के अनुसार कौन से वो चार लोग होते हैं जिनके पास लक्ष्मी जी कभी नहीं टिकती हैं, यानी कि उनको पैसे का अभाव बना रहता है। हो सके तो इन प्रॉब्लम्स को जीवन से दूर कर लेना चाहिए। जीवन में सफल बनने की इच्छा सभी की होती है। कौन नहीं चाहता है कि उसका जीवन हर तरीके की खुशहाली से भरा हुआ हो, भले ही हर तरीके से खुश रहने का पैमाना पैसा नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप भौतिक सुख की बात करें तो ये पैसों के बगैर संभव भी नहीं है। आज के ज़माने में खुश वही व्यक्ति माना जाता है जिसके पास पैसा है। धन ही आज सुखमय जीवन का आधार बना हुआ है। संसार में बहुत से लोग थोड़ी मेहनत करते हैं और उन्हें ज़्यादा सफलता मिलती है, लेकिन कुछ लोग दिन रात मेहनत करते रहते हैं और उनको उनके मन मुताबिक सफलता नहीं मिल पाती है, जिसके कारण वो अपने जिंदगी में दुखी और निराश हो जाते हैं। हिंदू धर्म में रामायण या रामचरितमानस को जीवन जीने का आधार माना जाता है। रामायण हमें जीवन जीने की सही दिशा दिखाती है। रामायण जिंदगी के हर पल में हमें जीवन को आदर्श और धर्म के अनुसार जीने के लिए प्रेरित करती है। रामचरितमानस में इस बात का उल्लेख किया गया है कि कुछ लोगों के पास धन क्यों नहीं रुकता है। आज हम आपके सामने उन्हीं बातों का उल्लेख करने जा रहे हैं। रामायण के अनुसार अगर आपका जीवन साथी सही नहीं है तो आपके पास लक्ष्मी जी कभी भी नहीं रुकती हैं। वैसे भी कहावत है कि एक सभ्य लड़की पूरे घर को संवार देती है और घर को स्वर्ग बना देती है, और जो लोग अपने जीवन साथी को धोखा देते हैं उनके पास भी लक्ष्मी कभी निवास नहीं करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर का सत्यानाश होना तय हो जाता है, इसीलिए इन आदतों से आपको बचना चाहिए। रामायण के अनुसार अगर आप लालची हैं तो कभी भी आपके पास धन नहीं रहेगा। लालच बुरी बला है, ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी, इसीलिए लालच छोड़कर आपको धर्म के अनुसार अनुसरण करना चाहिए। धर्म के अनुसार रहन सहन बनाना चाहिए। रामायण के अनुसार जिस भी व्यक्ति के पास घमंड है उसके पास धन कभी नहीं हो सकता है। अगर ऐसे किसी व्यक्ति के पास धन है भी तो वो बहुत जल्दी ही क्षय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। धन को अपने पास रखने के लिए मनुष्य को घमंड का त्याग करना चाहिए। रामायण के अनुसार जिस भी घर में मादक चीज़ों का सेवन किया जाता है वहाँ पर लक्ष्मी जी कभी निवास नहीं करते हैं, इसीलिए यदि आपके अंदर भी ऐसी कोई बुरी आदत है तो उसे अभी छोड़ दीजिए, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। धन ही आज सुखमय जीवन का आधार माना जाता है। संसार में बहुत से लोग थोड़ी मेहनत करते हैं और उन्हें ज़्यादा सफलता मिलती है, लेकिन कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं और उनको उनके मन के मुताबिक इसी वजह से सफलता नहीं मिल पाती है, जिसके कारण वो अपनी ज़िंदगी में दुखी और निराश हो जाते हैं। तो हिंदू धर्म से रामायण या रामचरितमानस के जीवन जीने के आधार माने जाने की यही वजह है और यही कारण है कि आपके पास धन नहीं टिकता है। इसीलिए धन न टिक रहा हो तो आपको इन आदतों पर एक बार ध्यान दे लेना चाहिए। वैसे भी अगर आप शराब पीते हैं तो कहां से पॉसिबल है कि आपके पास धन बचेगा। शराब पीना, जुआ खेलना, ये कुछ ऐसे व्यसन हैं जो धन का नाश करते हैं, क्योंकि ये दिन पर दिन बढ़ता जाता है और इसमें आप अपने पैसे, समय और प्रतिष्ठा सब खो देते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। मिलते हैं आप सभी से नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।